गया जिला के बाराचट्टी थाना अंतर्गत समेकित जांच चौकी सूर्यमंडल पर उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 क्विंटल गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गया जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह, एक्साइज कांस्टेबल, होमगार्ड तथा सेफ के द्वारा जांच के क्रम में एक कंटेनर हरियाणा नंबर की गाड़ी से गांजा बरामद किया गया तथा चालक चकमा देकर भागने में सफल रहा। मौके पर से खलासी को गिरफ्तार किया गया है। गांजा ड्राइवर सीट के पीछे बॉक्स में गांजा ले जा रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी हरीश कुमार के रूप में हुई। उन्होंने ये भी बताया कि गांजा कटक से हरियाणा ले जाया जा रहा था। कड़ी पूछताछ के बाद इसे जेल भेज दिया गया। अभी हम लोग समेकित जांच चौकी डोभी पर जिला पदाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार सघन जांच कर रहे हैं और इसी क्रम में दो दिन लगातार दो सफलता हासिल हुई है। पहले दिन एक खाली डीसीएम गाड़ी में 164 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ और उसमें से एक व्यक्ति गौरव कुमार जो कि यूपी का रहने वाला है गिरफ्तार हुआ था। अन्य लोगों की हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके जस्ट दूसरे दिन यानी 22 तारीख को एक कंटेनर ट्रक हरियाणा नंबर की जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR38W7582 है उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से बंद कंटेनर के अंदर ड्राइविंग सीट के पीछे बॉक्स बनाए हुए था और बिल्कुल नया पेंट किए हुए था ताकि पता नहीं चले। बाकी सारी गाड़ी खाली थी कंटेनर और उसमें एक ड्राइवर तो चकमा दे के फरार हो गया, उसका खलासी भी भागा लेकिन हम लोग उसको पकड़ लिए और जब कंटेनर के बॉक्स को तोड़ कर देखा गया तो उसमें करीब 11 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है और इसमें से एक व्यक्ति हरीश कुमार गिरफ्तार हुआ है जो कि हरियाणा फरीदाबाद का रहने वाला है। ये जैसा कि गिरफ्तार व्यक्ति से हम लोग पूछताछ किए वो बता रहा है कि इस गांजा को कटक से लोड किया गया है और हरियाणा ले जाया जा रहा था। आगे इंक्वायरी के क्रम में पता चलेगा कि इसके मुख्य माफिया कौन है और हम लोग आगे इसकी जांच कर रहे हैं। गांजा का वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गांजा सीज हुआ है हम लोग का दोनों दिन का लगभग 13 क्विंटल लगभग हमको लगता है 2.5 से 3 करोड़ रुपया इसका इंटरनेशनल मार्केट में मूल्य होगा। दीपक कुमार सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर, समेकित जांच चौकी डोभी, गया।